अपराधी खुलेआम अपना जगह बदल रहा है, बस हमें यही बताया जाता है यहाँ से लोकेशन यहाँ हो गया वहाँ हो गया, यही सुनते आ रहे हैं इतने दिनों से। पपुरा धपुरा गोरख रहा, उसके बाद रंजीत सिंह मुखिया कांड में भी आजीवन कारावास मिला हुआ ऑलरेडी बेल पड़ा है। आखिर नीलेश जी का जान चला गया लेकिन अभी तक ये लोग कार्रवाई और सुनवाई में नहीं आए हैं, अभी तक समय दी जा रही है, बस कहा जा रहा है, आखिर कब तक अपराधी और जो साजिश करने वाले जो मेन माफिया है, इसमें जितने भी बालू माफिया हो, जो भी माफिया हो, गैंगस्टर हैं, शूटर्स, लाइनर्स, जो भी लोग इस खेल में सब लोग अंजाम दिए हैं, तो आखिर सिर्फ एक दो शूटर्स को पकड़ के लाने से काम हो जाएगा? अब मुझे जवाब दीजिएगा मैडम, सिर्फ दो शूटर पकड़ाया है, जानकारी मिला है उससे कुछ नहीं होना है। जिसका मास्टरमाइंड है ऊपर से वो उसको पुलिस पकड़ के लाए, उसका क्या, वो तो पैसे के लिए मारते ही चलता है सब। लेकिन ये पप्पू राय, धप्पू राय और गोरख राय जो है वो हमको चाहिए, और उसके लिए सिर्फ फांसी की सजा ही है, उससे ज्यादा नहीं। जितने भी ये सब पे मर्डर केस है, लगभग तकरीबन 8 केस दर्ज है उनपे, लेकिन इससे पहले ही एक्शन कार्रवाई और उन पर में तुरंत कार्रवाई जो होता है वो नहीं किया गया। ऐसे में अपराधियों का मन तो बढ़ता ही जाएगा और खुलेआम घटना को अंजाम तो देंगे ही। ऐसे में सोच लीजिए कि नीलेश मुखिया की जान गई है, ऐसे कितने और भी लोगों की जान जाएगी, ये बड़ा सवाल है पूरे बिहार के प्रशासन शासन और तमाम लोगों के प्रति। लेकिन महीने दिन से ये गुहार लगा रही है, लगातार कोर्ट से गुहार लगा रही है। कोर्ट से आप लोग गुहार लगा रहे हैं? हम लोगों ने हर जगह आवेदन दिया है, लेकिन रिजल्ट यही आ रहा है कि कोई हमारे लिए कुछ अभी नहीं कर रहा है। अपराधी खुलेआम अपना जगह बदल रहा है, बस हमें यही बताया जाता है यहाँ से लोकेशन यहाँ हो गया वहाँ हो गया, यही सुनते आ रहे हैं इतने दिनों से। मैडम, लेकिन जहाँ जहाँ हर जगह न्याय की दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो जज जो होते हैं, जस्टिस जो होते हैं, कोर्ट जो होता है, वहाँ पे जो दरवाजा खुलता है तो वहाँ न्याय का लोग चाहते हैं कि यहाँ मिल जाएगा, आपको क्या लग रहा है? सोचता है आदमी, लेकिन बोले तो क्या, हर चीज बिकाऊ है, हर चीज। जब तक हमको न्याय नहीं मिलता हम कैसे मान लेगी पुलिस प्रशासन मेरे साथ है? बताइए इनको मेरे पति को, नीलेश मुखिया को जिस दिन गोली लगी उसके बाद कितने हत्या को अंजाम दिया गया, सबके आरोपी पकड़े गए, जो हत्यारे थे पकड़े गए, फिर मेरे केस में ऐसा क्यों है? क्या है ऐसा पपुराए धपुराए में कि इसको पुलिस नहीं पकड़ रही है? भाई इसको आसमान निगल गया या धरती खा गई, कहाँ चला गया? इसके घर पे लोग हैं, इसके घर की महिलाएं हैं, इसके बच्चे, पुलिस उसको क्यों नहीं उठा रही है? क्या इनके घर पे कुर्की जब्ती नहीं हो रही है? नहीं हुई है अभी, कुछ नहीं हुआ है, पुलिस भी नहीं आया है अभी, कोई वारंट नहीं है। राजनीतिक संरक्षण भी मिल रहा है उन लोगों को? मिलेगा, क्यों नहीं मिल रहा है इसको? क्यों, तो सारा प्रोटेक्शन इसको मिला हुआ है, तब तो इतना उपद्रव किया है। अपने आप को बोलता है कि हम पड़ोसी हैं, मेरा छोटा भाई है, आप लोग सब वीडियो देखे होंगे उसका, खुद ही बोला है कि हम सम्मिलित हैं इसमें, तो मुझे फांसी की सजा दे दी जाए। तो अब आए पुलिस प्रशासन का मदद करें, बोला था कि हम कहीं से भी मदद करेंगे, जहां बुलाया जाएगा हम आएंगे, तो फिर अभी क्यों नहीं आ रहा है? इसके यहाँ की महिलाएं झूठी, जो पूर्व डिप्टी मेयर है रजनी देवी, बिल्कुल मक्कार और झूठी महिला है, बोलती है कि हम घर की महिला है, वो समाज में रहने लायक महिला नहीं है। ये सभी लोग मतलब कि क्या लग रहे हैं, फ्रॉड है? बिल्कुल फ्रॉड है, इसके बच्चे भी सब पैसे के बल पर कूद रहा है, नाजायज पैसा है इसके पास। क्या इसके घर में कोई जज है, कलेक्टर है, क्या है, कुछ आईएएस वगैरह है क्या? सब अनपढ़ गंवार है, कहां से इसके पास इतना धन आता है कि लोगों का सुपारी देते चलता है, इतना हत्या करवाता है? मैडम, ये लोग इससे पहले भी घटना को अंजाम बहुत दिया कर चुका है, हत्या के पर से ही गुजरा है, ये उसी का अंजाम है, इसी का किया हुआ है, इस पर केस ही सारा केस है। सोच लीजिए कि 8 केस दर्ज है और कितने घटना मर्डर केस का जो है दर्ज है, ये सारे सबूत और सारे फैक्ट ये लोग हाथ में रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी इतने मर्डर केस होने के बावजूद ये लोग अपराधी फरार हैं, तो समझ लीजिए कि इनका संरक्षण मिल रहा है। और संरक्षण जब मिल रहा है तो अपराधी अपराध तो और भी करेंगे ना। मुझे लगता है कि नीलेश जी का जान गया है, कितने और लोगों का जान जाएगा? मैडम क्या लग रहा है? बिल्कुल, जब मेरे पति के साथ ऐसा कर दिया, जो समाज का सेवा करता था, मेरा इनके बहुत करीबी मित्र थे, 2017 की बात है, जब इलेक्शन में मैं जीती थी, 6 महीना हो रहा था, समझिए कि उसी दिन शाम के समय वो ऑफिस से लौटने के समय, सोनपुर की हत्याकांड है ये, बीरमणि जी की हत्या कर दी गई, वो भी हमारी ही गाड़ी थी, हमारी ही गाड़ी में ही उनको गोली मारा गया, और उसमें भी इसको बेल मिल गया। जानकारी मुझे मिला कि जितने भी अपराधी हैं, माफिया हैं, वो लोग सोच रहे थे कि इनका वर्चस्व बढ़ रहा है,
इनके लोग चाहने वाले बढ़ रहे हैं, उनको खत्म कर देंगे। हाँ बिल्कुल, मेरे पति ही इसके रास्ता का रोड़ा थे। ये हजार दफा भी अगर बोलेगी पूर्व डिप्टी मेयर या ये सब बोलेगा इस पपुराय थपुराय, मेरा भाई था, कोई रंजिश नहीं है, किसी भी हालत में हम नहीं मानेंगे, क्योंकि मेरे पति को शुरू से परेशान किया गया है, हर चीज केस में फंसाना, कुछ हुआ तो मेरे पति का नाम दे देना, ये इन्हीं लोग का देन है। इनकी 10-12 अपराधी माफिया सब लोग गैंग मिल जाए तो किसी का जान लेना कोई बड़ी बात तो नहीं? कोई बड़ी इनके लिए तो खेल है, तब तो देखिए ना कितना मामला है, सोच लीजिए कैसे इसको नींद आती होगी, इतना बेकसूर आदमी को मार के कैसे ये सोता होगा। पपुरा धपुरा गोरखड़ा, उसके बाद रंजीत सिंह मुखिया कांड में भी आजीवन कारावास मिला हुआ ऑलरेडी बेल पड़ा है। अब बताइए, उसके अलावा जो है पीरमणि हत्याकांड में जो है ना कि ये हाईकोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल लेके निकला हुआ है, अब इतना मामला में बेल पड़े, बाकी इतना सब हत्या का मामला है उसके पास, आठ गो केस हम आपको बता रहे हैं, सोनपुर में 2 केस है। इतना मर्डर होने के बाद क्यों नहीं एक्शन लिया गया? अब तो ये प्रशासन ही बताएगी, जबकि हम बराबर लिखे हैं डीजीपी साहब से मिला, सारा साहब से लिखे, देखिए पुलिस महानिदेशक पटना, और एक बार नहीं ये देखिए मेरे भाई को जो है, मेरे भाई को मेरे परिवार के जान से खतरे को देखते हुए रक्षा प्रदान करने का संबंध में ये कहिया लिखा गया है 20/4 को, 20/2023 को। ये हाल की बात तो है, भट्टी साहब से इस हाल में मुलाकात हुई है? सारा चीज को हम लोग भट्टी साहब से ही मुलाकात करने गई थी। अच्छा मैडम, हम जानेंगे कि अभी डीजीपी साहब है आरएस भट्टी, उनसे मुलाकात हुई है? देखिए मैं गई थी उनके ऑफिस तो नहीं थे उस समय, लेकिन मेरा जो आवेदन लिखा हुआ है वो सबके पास पहुंच चुका है, वो बात भी उन तक पहुंच, खुद श्री रविशंकर जी ने भी बात की है उनसे, उनसे सभी के पास ये मामला, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे इस तरीके से ये लोग घूम रहे हैं अभी तक। सिर्फ हमको आश्वासन दे दिया जाता है कि नहीं मैडम 1 सप्ताह के बाद, फिर मुझे कह दिया गया जब इनकी बॉडी आई थी तो कि नहीं 5 दिन के बाद अपराधी आपके सामने। सरकार में जो है तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन पे भरोसा कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं है, इन्हीं लोग के राज में इतना मारकाट हो रहा है, बस सोए हुए हैं नीतीश कुमार आराम से, और बोलते हैं कि कहां बिहार में अपराध है, तो सोए हुए हैं ना, नहीं दिख रहा है। रोज का पे अगर अखबार का फ्रंट पेज आप उलटिए तो मर्डर से स्टार्ट होता है। एक बार मिलने नहीं आए थे एसपी जी? कुछ नहीं, कोई नहीं आए, नहीं कुछ नहीं, लोगों को पता भी होगा चाहे नहीं पता होगा, मतलब ही नहीं। जंगल राज तो है ही, गुंडा राज है, जंगल राज है, अपराधियों का तो राज है, पुलिस स्टेशन नहीं होना चाहिए, अपराधी का स्टेशन बनना चाहिए। जल्द से जल्द जो है ये जितने भी अपराधी का नाम दर्ज है, इतने बड़े पूर्व डिप्टी मेयर और भी पूरा धपूरा तमाम लोगों का, या इन कुर्की जब्ती की बात हो या फिर पुलिस एक्शन में आए, इसके लिए आप क्या कुछ जल्दी तुरंत कार्रवाई करेंगे? तो जितना हमको बोले हैं एसएसपी साहब उतना तक हम बर्दाश्त कर रहे हैं। कितने दिन तक टाइम दिया है मैडम? 5 दिन का दिए थे, कल वो समय खत्म हो रहा है, कल समय खत्म हो रहा है, हो रहा है खत्म। देखिए दोस्तों सीधा मैं बताऊं कि एसपी साहब ने सुचित्रा जी को 5 दिन का समय दिया कि मुझे समय दीजिए, मैं सबका पता जो है करके ठिकाना लगाऊंगा, जितने भी अपराधी है जो भी घटना को वारदात अंजाम दिए हैं। आज 4 दिन हो गया है, कल लास्ट दिन बचा है 5वां दिन, कल मैडम कल खत्म हो जाएगा इस समय जी, और मेरा सब्र का सीमा भी वहां पर खत्म होगा, क्योंकि मेरी जनता बहुत आक्रोशित है, मैं अपने आप को तो कहीं से रोक लूं, लेकिन जिसका मेरे पति ने इतना किया है, मतलब लोग तो कह रहे हैं कि हमारे भगवान थे नीलेश जी, माँ बाप का क्या करूं, वो बुजुर्गों का मैं क्या करूं बताइए, जो दिन रात श्राप दे रहा है इसको। मैं लगातार लोगों से रिएक्शन जानना चाहा तो लोग कह रहे हैं कि भगवान थे वो, हम इतना सहारा हाँ किए हैं, मेरे पति बहुत किए हैं, अपना परिवार छोड़ के अपनी जनता को परिवार बनाए, 12 बजे रात में भी मिलते थे वो, 12 बजे कहे तो 2 बजे रात में उठ के गए जनता से मिले, 2 बजे फोन आया था हमसे बोल के गए हैं कि ठीक है हम अभी आ रहे हैं, दरवाजा बंद कर लो नीचे हम आ रहे हैं, फोन करेंगे तो दरवाजा खोलना, यदि कल तक नहीं कुछ हो पाएगा तो फिर एक्शन में क्या अब आएंगे? अपना जनता के साथ उतरेंगे, न्याय मांगेंगे अपने पति के लिए, ऐसे ही उनका मौत छोड़ देंगे क्या, घूमने देंगे इसको जानवर को नहीं घूमने देंगे ऐसे ही? बिल्कुल, सोचिए कि इतना लाश पर से ये गुजरा है, क्यों पुलिस प्रशासन का हाथ बंधा हुआ है, किसी को शक्ति नहीं है इस अपराधी को पकड़ने के लिए। पुलिस मैडम 2 दिन काफी है, होता ही है, लीपा पोती हुआ है मेरे केस में गारंटी के साथ। अब सुनीता देवी से बात किए, अब ये सारा चीज बताए हैं कि 5 दिन समय मिला, एसपी साहब से जो बात किए थे उन्होंने कहा कि 5 दिन मुझे समय दीजिए, उसके बाद जो भी माफिया है, जो भी इसमें गैंगस्टर है, जो भी अपराधी है फरार चल रहे हैं, सबके ठिकाने अभी नहीं है, अगल बगल में ही सबके घर है लेकिन वो फरार चल रहे हैं,
अब समझ लीजिए कि एसपी साहब जब बोले हैं 5 दिन का, अब कल का यदि कुछ निर्णय नहीं आएगा तो फिर सब्र का बांध तो टूटेगा ही। मैम सीधा बोल रहे हैं कि सब्र का बांध टूटेगा, हम नहीं जनता जितना लोग आक्रोशित हैं उनका सब्र का बांध टूटेगा। उसके बाद सीधे कह रहे हैं कि हम जनता के साथ उतरेंगे और न्याय की लड़ाई लेंगे, क्योंकि उनका जान तो अब चला गया, लेकिन जस्टिस की बात आती है, न्याय की जब बात आती है तो हम लेके रहेंगे, क्योंकि इस तरह के जो दरिंदे हैं और हैवान जो है, अपराधी जो है, बेलगाम घूम रहे हैं, ये घूमने नहीं देंगे। इनकी अंतिम लड़ाई यही है और लगातार जो है ये लड़ाई लड़ने का प्रयास कर रही है, लगातार अंतिम सांस तक लड़ेंगी, ये इनका कहना है। देखिए और भी अपडेट्स हम लगातार कवरेज करेंगे, देते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।